नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पेपर लेस स्टडी के YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हैं, चाहे वो MPPSC का एग्जाम हो, MP पटवारी हो, MPSI हो, MP कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी, वन रक्षक, आबकारी आरक्षक, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है, उसमें नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। और इस वीडियो में हमने नर्मदा नदी के सारे फैक्ट कवर किए हुए हैं, सारे तथ्य कवर किए हुए हैं जो जीके से रिलेटेड हैं। यहां पर हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। इस पूरी वीडियो को देखने पर, 1 घंटे की लगभग ये वीडियो रहेगी, इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको नर्मदा नदी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, सारे फैक्ट्स आपका यहां पर कवर होने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल पेपर लेस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम आपको ये करने लेना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नर्मदा नदी से संबंधित हर एक प्रश्न आपका यहां से बनने वाला है, चाहे वो जलप्रपात से संबंधित हो, चाहे वह उनकी पुस्तकों से संबंधित हो, चाहे अन्य नाम से संबंधित हो, चाहे उस पर बने हुए परियोजनाओं से संबंधित हो, चाहे उसकी सहायक नदियों से संबंधित हो, चाहे उसके अववाह तंत्र से संबंधित हो, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हो, चाहे नर्मदा चिप्रा लिंक परियोजना से संबंधित हो, हर एक पॉइंट, हर एक प्रश्न, हर एक प्रकार का फैक्ट, हर एक प्रकार का जीके फैक्ट, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वह मुहाने से संबंधित हो, डेल्टा से संबंधित हो, हर एक प्रकार का प्रश्न आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। ऐसी ये क्लास होने वाली है, तो नर्मदा नदी का 1 नंबर पक्का जरूर कर ले। सबसे पहले हम बात करते हैं, नर्मदा नदी जो है वो एक पवित्र नदी मानी जाती है धार्मिक रूप से अगर देखा जाए। दूसरी बात अगर करी जाए तो नर्मदा नदी भारतीय उपमहाद्वीप, भारत क्या है, हमारा एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है भौगोलिक स्थिति के अनुसार। तो 5वीं सबसे लंबी नदी है, कितनी में 5वीं नंबर पे आती है लंबाई के आधार पर। पहली कौन सी है, गंगा। क्रम अगर देखा जाए तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और उसके बाद नर्मदा। तो नर्मदा जो है आपकी 5वीं सबसे लंबी नदी है पूरे भारत में। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। ये नर्मदा को अगर आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, भारत है। अगर देखा जाए तो ये भारत का मैप है और इसमें इतना जो पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में, जिस भूभाग को तीन ओर से क्या है, जल से घिरा रहे। तो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो हिंद महासागर, यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिल जाता है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये भी आपका देखने को मिल जाता है। तो तीनों क्षेत्र से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ हो या जल से, वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप कह सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, इतना इतना पार्ट, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। और ये ऊपर का पूरा, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत है हमारा एक उपमहाद्वीप, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी जो है बेसिकली यहां से आपका एक स्थान है जिसका नाम है, जिस जिले का नाम है अनूपपुर, और अनूपपुर के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हुई नजर आती है। कहां से, अमरकंटक से निकलती है और यहां पर गुजरात में यहां पर क्या है, खंबात की खाड़ी में समापन इसका हो जाता है। तो नर्मदा नदी बेसिकली आपकी भारत की हृदय रेखा है, भारत के बीच में से ही निकलती है। अगर देखा जाए तो भारत की हृदय रेखा है, यहां पर अगर देखेंगे तो बिंदु और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में से गुजरती है, भारत की हृदय रेखा कहलाती है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की क्या है, जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात राज्य की भी ये जीवन रेखा है। तो 2 फैक्ट ये कवर हो जाएंगे, गुजरात राज्य की और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ये जीवनदायक जल से अपने जल से सिंचित करती है, क्योंकि क्या है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश के लिए सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी नदियों से, बांधों से, तालाबों से, इत्यादि चीजों से मिलता है। तो नर्मदा नदी एक व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है और ये क्या करती है, पूरे कई सारे जिलों में बहती हुई बहकर निकलती है और उन जिलों को क्या करती है, सिंचाई करने का काम कर देती है अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि हृदय रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीवनदायक जल से सिंचित करती है। साथ ही में अगर इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहाड़ से दिख रहे होंगे, ये रेंज दिख रही ना, इसको कहते हैं विंध्य रेंज। कौन सी रेंज, ये आपकी जो रेंज है इसे कहते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला। और नीचे से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा, विंध और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, एक फैक्ट ये भी हो जाएगा।
तीसरा एक फैक्ट आपका ये भी बन जाता है यहाँ की राजकीय नदी कौन सी है, हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है। जैसे हमारी राजकीय मछली कौन सी है, राजकीय मछली महासीर है, उसी प्रकार से राजकीय नदी नर्मदा हो जाएगी। तो एक फैक्ट ये कवर हो गया। कितने जिलों से निकलती है नर्मदा नदी, तो कई कई पुस्तकों में 16 जिले मिलते हैं, कई कई पुस्तकों में 15 जिले मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर 16 जिले लिए हुए हैं। बहुत सारी पुस्तकों में अधिकतम में मुझे 16 मिले तो मैंने 16 ले लिया। कहाँ से निकलती है, तो भाई यहाँ से अनूपपुर नाम का जो जिला है, अनूपपुर जिले में है तहसील जिसका नाम है अमरकंटक, और अमरकंटक तहसील से ये निकलती है और निकलते हुए कई सारे जिलों में जाते हुए जैसे कि अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बधार, बड़वानी और अलीराजपुर, यहाँ पर निकलते हुए फिर ये गुजरात राज्य में अंदर की तरफ चली जाती है। और गुजरात राज्य से निकल के कहाँ जाती है, अरब सागर में, या हम कह सकते हैं खंबात की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये इफेक्ट आपके कवर हो गए। दक्षिण में आपको सतपुड़ा श्रेणी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो श्रेणी आपको पर्वत श्रेणी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इसे कहते हैं हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो जो नर्मदा स्वर्ण घाटी है या नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, देखिए ये नर्मदा नदी यहां से निकल रही है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो इसके दक्षिण में कौन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में आपको मिल जाती है। एक और फैक्ट यहां से कवर होता है कि ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा किस घाटी से प्रवाहित होती है, तो ये होती है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। गुजरात में भरूच के समीप जो है कैम्बे की खाड़ी को ही हम खंबात की खाड़ी कहते हैं। तो कैम्बे या खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। या तो आपसे अरब सागर पूछा जाएगा या अरब सागर बताया जाएगा या खंबात की खाड़ी ऑप्शन में आ जाएगा, तो आप बता सकते हैं। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक ही तहसील है और पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं एक श्रेणी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, ये इसे कह रहे हैं हम मैकाल पर्वत श्रेणी। तो मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है अमरकंटक से और अनूपपुर जिले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नदी की एक और फैक्ट यहां से निकल के आ जाता है कि ये नदी जो है पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में बहती है। मैं यहां पर दिशा दिखा देता हूं, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। यहां से निकल रही है पूर्व से और जा रही है किस दिशा में, पश्चिम दिशा में ये जाने का काम करती है। तो पूर्व से निकलकर पश्चिम दिशा में जाती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के अलावा माही नदी और ताप्ती नदी, ये दो नदियां और हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं और कहां पर जाती है, पश्चिम दिशा में जाती है। मध्य प्रदेश की अधिकतम नदियां, ध्यान रखिए मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां उत्तर अथवा उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की तीन नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। और मध्य प्रदेश की तीन ही नदियां एक ऐसी नदी है जो सागर में जाकर मिलती हैं, किसमें, सागर में या समुद्र में जाकर मिल जाती हैं डायरेक्टली, किसी अन्य नदी के साथ नहीं मिलती। नर्मदा, माही और ताप्ती सीधा का सीधा सागर में आपको जाकर देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर आप बात करते हैं चंबल नदी है, तो चंबल नदी दूसरी नदी में मिल जाएगी, छिप्रा नदी दूसरी में मिल गई, काली सिंध दूसरी में मिल गई, बेतवा किसी दूसरी में मिल गई, तो ये सहायक नदियां बन जाती हैं। किसी एक नदी दूसरी नदी में मिलती है तो जो दो जो मिलने वाली नदी होती है उसे हम सहायक नदी कह देते हैं। तो नर्मदा नदी जो है सहायक नदी नहीं बनती किसी की, सीधा जाके समुद्र में मिलती है। तो ये एक फैक्ट ये भी हो गया। इसके अलावा माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये भी एक फैक्ट बन जाता है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी। कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के जो है कितने जिलों से निकलती है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। फैक्ट है, कमेंट करके आप बता दीजिए कि कितने जिलों से कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों को काटती है और हमारे भारत के कितने राज्यों को कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये हो गया कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती है, इस प्रकार से बहने का काम कर रही है। साथ ही में यह अपने मुहाने पर, मुहाना मतलब वह एरिया होता है जहां पर नदी समुद्र से मिलती है। ये आपकी नर्मदा नदी निकल के आई, ये ब्लू कलर का आप पार्ट देख रहे हो, ये नदी है और ये पार्ट जो है वो समुद्र है। तो नदी जो है समुद्र से जहां पर मिलती है, मुहाना का मतलब आप शुद्ध भाषा में अगर देखा जाए, अपनी समझने वाली भाषा में देखा जाए तो मुंह मान सकते हैं, मुहाना मतलब मुंह। तो जहां पर नदी सागर से मिलती है उस स्थान को हम मुहाना कह सकते हैं। तो ये पार्ट क्या है, मुहाना का आप पार्ट मान सकते हैं समझने की दृष्टि से। तो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण ना करके 27 किलोमीटर लंबी ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एक फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नर्मदा नदी करती है एस्चुरी का निर्माण। अब ये डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पाए तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई इफेक्ट रटाया जाए।
मैं चाहता हूं कि हर एक फैक्ट को आपको समझाया जाए मैप के माध्यम से और आपकी हर एक चीजें क्लियर हो सके। बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। देखिए डेल्टा और ज्वारानंद मुख को हम समझेंगे कि डेल्टा और एस्चुरी होती क्या है और इनमें अंतर क्या होता है। देखिए डेल्टा होता क्या है कि नदी जब आती है तो नदी क्या करती है अपने साथ काफी सारा मलबा लेके आती है, छोटे छोटे कंकड़ है, पत्थर है, बहुत सारा मलबा है। तो क्या है कि नदी आती है धीरे धीरे, जो नदी धीरे धीरे बहती है, मेरे हिसाब से जो नदी धीरे बहती है या जो नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके आती है, तो मलबा जैसे जमा हो जाता है और मलबा जमा हो जाने के कारण करती क्या है कि उसमें से नदी की धारा, जैसे मान के चलते हैं यहां से नदी आ रही है, ये नदी आई लेकिन क्या है कि मलबा बहुत सारा साथ में ले आई। अब यहां ये पार्ट जो है समुद्र का पार्ट है, ये है समुद्र। ये मैं बात किसी करता हूं, अभी मैं डेल्टा की बात बता रहा हूं आपको कि डेल्टा कैसे बनता है। ये नदी चली आ रही है इस तरफ और ये है समुद्र हमारा, क्या है समुद्र है। अब नदी यहां पर आएगी तो क्या होता है कि यहां पर मलबा जमा हो गया, बहुत सारा इकट्ठा हो जा रहा है, तो नदी का को एक पार्ट पता चला यहां से निकल गया, फिर यहां पर जमा हो गया तो नदी का एक पार्ट यहां से निकल गया, फिर यहां से निकल गया, फिर इधर पर भी मलबा जमा हो गया तो इधर से निकल गया। यानी कि नदी की बात अगर बात करते हैं तो नदी इधर से तो एक पार्ट में आ रही थी लेकिन जब समुद्र से मिलने की बात हो जाती है तो वो कई पार्ट में, कई भागों में विभाजित हो जाती है। क्यों? क्योंकि मलबा जमा हो जा रहा है, कई वितरकाओं में विभाजित हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। जैसे अगर आप बात करते हैं, ये नदी आई यहां पर चित्र में देख लीजिए, ये नदी आ रही है लेकिन क्या है यहां पर ये मलबा जमा हो गया, ये मलबा जमा हो गया, ये मलबा जमा हो गया, तो वो कई पार्ट में, कई भागों में यहां पर आप देख सकते हैं कि वो विभाजित हो गई है। इसे क्या कहा जाता है? डेल्टा। तो नर्मदा नदी क्या करती है? डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि ये वाला काम नहीं करती है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी क्या करती है? तो नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है, या हम कह सकते हैं कि ऐश्वरी का निर्माण करती है। ऐश्वरी क्या होती है? तो देखिए ऐश्वरी करती क्या है कि नदी सीधी आई और नदी में क्या होता है? तेज बहाव होता है। एस्चुरी में क्या होता है? तेज बहाव होता है। अब चूंकि तेज बहाव होता है तो मलबा जमा नहीं हो पाता, जो जमा मलबा यहां पर जमा हो रहा था वो मलबा जमा हो नहीं पाएगा, और जब मलबा जमा नहीं हो पाएगा, क्लियर रहेगा, तो सीधी नदी आके किससे मिल जाएगी? ये नदी आई, ये नदी आ रही है और ये सीधा का सीधा समुद्र से आपको मिलती हुई नजर आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नर्मदा नदी है वो यहां से ऐसे ऐसे घूम घाम के ऐसे आई और आके सीधा का सीधा ये गल्फ ऑफ खंबात, यहां पर आप देख पा रहे हैं तो गल्फ ऑफ खंबात से सीधा डायरेक्टली ही मिल जाती है। ये क्या कहलाता है? इसका मुहाना कहलाता है। तो दोनों के बीच में आप अंतर समझ गए होंगे, और अंतर और समझ लेते हैं, और अंतर क्या होते हैं। तो पहला मैंने यहां पर पॉइंट लिख दिया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरकाओं में विभाजित हो जाती है, किसमें? डेल्टा में। तो यहां पर देखिए डेल्टा में विभाजित हो चुकी है। ज्वारा नदमुख की अगर बात करते हैं, नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरकाओं में वितरित विभाजित ना होकर सिर्फ गहरी घाटी बनाती है, ये क्या कहलाता है? ज्वारा नदमुख कहलाता है। तो सीधा का सीधा जाके चली जाएगी गहरी घाटी बना के। डेल्टा की अगर बात करते हैं, नदी कई भागों में बहने लगती है और उसका त्रिभुजाकार हो जाता है। आकार जो है यहां पर अगर आप देखेंगे तो नदी का आकार यहां पर जो डेल्टा का आकार कैसा होता है, डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार जैसा हो रहा है। नदी तेज गति से बहकर मुहाने को साफ रखती है, इसका कोई स्वरूप नहीं बनता। तो यहां पर क्या है कि तेज गति से आती है तो कोई भी क्या है बनता ही नहीं है, मलबा होता ही नहीं इकट्ठा, तो वो रुकती नहीं है, वो सीधा का सीधा मिल जाती है। ये मंद गति से बहने वाली नदियों के कारण होता है, मुहाने पर मलबा जमा हो जाता है। तेज गति से बहने के कारण नदी का मुहाना क्या रहता है? साफ रहता है। तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, आई थिंक कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आपको ये बातें नहीं पता थी कि डेल्टा क्या होता है, ज्वार नदमुख यानी ऐश्वरी क्या होता है, तो और आप पता चल गई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए करें, जिससे हमें अच्छा लगता है। तो हम आपके लिए ऐसे स्लाइड बना के आपको हर एक चीज को बेसिकली समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा और ज्वार नदमुख में आपका अंतर क्लियर होगा। और अब आपको ये समझ लेना है कि नर्मदा ऐश्वरी का निर्माण करती है, मतलब इस पार्ट का निर्माण करती है, सीधे जाके सागर से मिल जाती है। अब आगे और बात करते हैं कि चूंकि मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलकर गुजरात में भड़ूज के पास कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक पॉइंट तो यही बन जाता है कि कुल नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश से गुजरात तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक 1312 किलोमीटर। लेकिन अकेले अकेले मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो इसकी लंबाई रहती है 1270, यानी कि अनूपपुर से लेकर यहां से शुरुआत करेंगे और मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा में कितना कितना बहती है तो वो उतने की अगर हम बात करें तो 1277 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए, आप चाहते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। एप्लीकेशन का नाम है पेपरलेस स्टडी।
और पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और यहां पर आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, आप हर एक टेस्ट के लिए डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा क्विजेस में, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में, और साथ ही में सभी एग्जाम के, सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं और वो भी कम फीस में। तो अभी हम पटवारी की टेस्ट सीरीज अभी हमने लॉन्च की हुई है और आप बाद में भी कोई भी टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। 25 यहां पर फुल टेस्ट दे रहे हैं हम पटवारी परीक्षा के लिए, 200 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 250 क्विजेस हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स और पीडीएफ है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ सब कुछ मिल रहा है, 20,000 प्रश्नों की टोटल प्रैक्टिस मिलेगी पटवारी परीक्षा के लिए मात्र 251 रुपए में। तो आप सभी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 251 रुपए में पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर। तो आज ही पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिए पेपरलेस स्टडी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ भी करिए, लेकिन बस याद रखिए कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा अच्छे तरीके से अपना एनालिसिस करेगा कि हाँ हमारा क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा और वही व्यक्ति चलकर सिलेक्शन लेने वाला है आगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए आपके एग्जाम्स के लिए। अगले पॉइंट्स की ओर हम चलते हैं। तो ये बात करते हैं अरब सागर की। तो अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि कई सारी नदियां जो है अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, और अरब सागर में मिलने के लिए अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय जो भारत है, मैंने आपको बताया था कि तीन ओर से घिरा हुआ भाग, तीन ओर से जल, जल और जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो हमारा ये पार्ट, ये इतना, ये भाग जो है, ये अगर आप देखेंगे ये भारत का प्रायद्वीपीय पार्ट है और यहां से निकल रही है नर्मदा नदी, निकल के जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। एक फैक्ट ये हो जाता है आपके पास। साथ ही में एक फैक्ट ये भी है कि मध्य प्रदेश की प्रथम नदी है जिसे जीवित नदी का या जीवित इकाई का दर्जा दिया हुआ है। तो जीवित नदी का क्या है, दर्जा प्राप्त है, कब प्राप्त हुआ, 2017 में। तो दो फैक्ट ये हो जाते हैं कि 2017 में मिला पहला फैक्ट। जीवित नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की पहली, तो नर्मदा नदी है, याद रखना। दो फैक्ट यहां से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट यहां से निकल के आएगा कि हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नर्मदा जयंती भी मनाई जाती है। तो नर्मदा से संबंधित सारे फैक्ट मिलेंगे, चाहे वो नर्मदा जयंती हो, चाहे नर्मदा से संबंधित कुछ भी हो, सब कुछ आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नर्मदा के अपवाह तंत्र की। नर्मदा के अपवाह तंत्र की अगर बात करी जाए तो नर्मदा का जो अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की बात करते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो वो है गंगा अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र वह होता है जो नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए क्षेत्र में होता है, उसे हम अपवाह तंत्र कह सकते हैं एक सामान्य रूप से। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ा प्रथम जो अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में वो गंगा अपवाह तंत्र है। अब ये मत कहना कि सर गंगा नदी तो बहती ही नहीं है, गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन गंगा की सहायक नदियां और उसकी भी सहायक नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। 85,930 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ये नर्मदा का अपवाह तंत्र है, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है। नर्मदा की सहायक नदियों को भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हिरण नदी है, मान नदी है, शक्कर है, दूधी है, तवा है, गंजाल है, इत्यादि नदियों को भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ये आपको नर्मदा नदी का एक मैप दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि काफी सारे डैम बने हुए हैं, जैसे कि बरगी डैम हो गया, इंदिरा सागर हो गया, ओंकारेश्वर परियोजना हो गई, महेश्वर परियोजना हो गई, सरदार सरोवर हो गई, या फिर जोवट बांध हो गया, ओलार परियोजना हो गई। तो ये सारी परियोजनाओं के बारे में भी आज की हम इस वीडियो में जानने वाले, इस क्लास में समझेंगे। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 89.9% भाग मध्य प्रदेश में इसका विस्तृत है। ठीक है, नर्मदा अपवाह तंत्र का 89% भाग यहां पर विकसित है, 89.9%, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 90% भाग मध्य प्रदेश में है, बाकी का बचा हुआ पार्ट अन्य राज्य आप गुजरात में मान सकते हैं ज्यादातर पार्ट। नर्मदा नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र वृक्षनुमा प्रणाली का, देखिए एक फैक्ट यहां से कवर हो जाता है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्या नर्मदा नदी किस प्रणाली के अंतर्गत आती है, तो जो अपवाह तंत्र है वो वृक्षनुमा प्रणाली के अंतर्गत आती है। वृक्षनुमा का मतलब है, जैसे आपने वृक्ष देखा होगा, एक ट्री, वृक्ष का मतलब क्या होता है, ट्री, इंग्लिश में हम ट्री कहते हैं ना, तो वृक्ष की, वृक्ष ये है, वृक्ष की जड़ें देखी होंगी आपने अंदर की तरफ, जमीन के अंदर कैसी होती है, ऐसी ऐसी घूमती है। तो यहां पर अगर आप नदियों को देखेंगे तो ये देखो ये नदी है,
ये नदी है, ये जल वितरिका ऐसी बनती दिख रही है ना, तो ये क्या है ये, और ये यहां पर नर्मदा नदी दिख रही होगी आपको, ये वाली नदी कौन सी है, ये मैंने ड्रॉ कर दी है, ये नर्मदा नदी है। अब बीच बीच में से ये वितरिकाएं दिख रही होंगी, दिख रही ना, ये बिल्कुल जड़ के जैसे दिखती है। तो ये क्या कह दिया गया कि ये वृक्षनुमा प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी का अवबाह तंत्र कैसा है, वृक्षनुमा प्रणाली के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए नगरों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि उज्जैन जिला जो है किस नदी के किनारे है, तो आप आंसर देंगे सर क्षिप्रा नदी के किनारे है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ओरछा नगर किस नदी के किनारे है, तो आप कह देंगे सर बेतवा नदी के किनारे है। उसी प्रकार से मैं पूछूं कि अमरकंटक किस नदी के किनारे है, जबलपुर, उनासा, खंडिया, धार, मंडलेश्वर, बड़वानी, रायसेन, हरदा, अलीराजपुर, सीहोर, खंडवा, खरगोन, निमावर, निमाड़, नरसिंहपुर, महेश्वर, झाबुआ और अनूपपुर, ये जो है नगर है, जो है ये नदी निकल रही है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि नगर बसा हुआ है। तो नदी के किनारे बसे नगरों की पूरी सूची यहाँ पर दे दी है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रयास किया है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकें कि आपका एक नंबर हर एग्जाम में पक्का करवाएं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, पेपरलेस स्टडी का उद्देश्य रहता है कि आप हमेशा आगे रहें अन्य सभी की तुलना में। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप सबसे आगे ही रहेंगे। इस कंपटीशन के दौर में आगे रहना है तो कुछ हटके कुछ अलग करना पड़ेगा। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लीजिए प्रैक्टिस करने वाला ही परफेक्ट बनता है। आगे बात करते हैं नर्मदा नदियों के अन्य नामों के बारे में। नर्मदा नदी के काफी सारे नाम हैं, जैसे कि इसे कहा जाता है मैकालसुता। क्या कहा जाता है? मैकालसुता कहा जाता है, नर्मदा नदी का दूसरा नाम है। इसे सोमोदेवी भी कहा जाता है। एक फेमस नाम है जो कि पौराणिक कथाओं से निकल के आता है, जो है रेवा। नर्मदा नदी का रेवा नाम भी है। सोम प्रभा कहा जाएगा, शिवपुत्री कहा जाएगा। अच्छा एक बात कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है ये कमेंट करके बता सकते हैं। ये कौन सी? शिवपुत्री से कहा जाता है। निबुद्धा इसे कहा जाता है। कुंवारी कहा जाता है, कुंवारी के पीछे भी एक कथा है। कावेरी इसे कहा जाता है, कावेरी कहा जाता है ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर जो स्थान है वो बेसिकली वहां पर आपको एक ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में ये पड़ता है। नामदास, नामदास को जो है नाम दिया गया है नर्मदा का, ये दिया गया है टॉलमी के द्वारा। टॉलमी क्या है? एक लेखक है इतिहास के, उन्होंने इनको नाम दिया हुआ है। साथ ही में इसे संकरी भी नाम दिया जाता है। तो नर्मदा नदी के इतने सारे नाम है, इनको आप याद रख सकते हैं, इनको समझ लीजिए, इनसे एक नंबर बन सकता है। अब बात करते हैं इनसे संबंधित जलप्रपात के बारे में, क्योंकि जलप्रपात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो रीवा जिले में आपको काफी सारे जलप्रपात देखने को मिल जाते हैं, या इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क में जलप्रपात मिल जाते हैं। शिवपुरी जिले में भी काफी नेशनल आपको जलप्रपात मिल जाते हैं। तो जलप्रपातों की अगर बात करी जाती है तो मध्य प्रदेश में 20-22 जलप्रपात हैं जो घूम घूम कर आते हैं ना, बार बार वही रिपीट हो जाते हैं। मतलब आज आएगा, फिर अगले शिफ्ट में आ जाएगा, फिर दो पांच शिफ्ट छोड़ के तीसरी शिफ्ट में आ जाएगा, फिर चौथी शिफ्ट में, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में एक जलप्रपात आएगा। क्योंकि क्वेश्चन आएंगे कहां से? जलप्रपात से आएंगे, नदी से आएंगे, या फिर मेले से आएंगे, या फिर किस से आएंगे? इतिहास से आएंगे, भूगोल से, कहीं ना कहीं से तो आएंगे। आएंगे तो वो रिपीट होके, रिपीट ही होके आ रहा है। तो आप पढ़ लीजिए उन चीजों को, एक नंबर आपका 100% पक्का हो जाएगा। आप चाहे किताब से पढ़े, चाहे किसी से पढ़े, क्योंकि हमने इसको कंपाइल किया हुआ है एक ही वीडियो में, तो हम सब कुछ बता देंगे आपको नर्मदा नदी से संबंधित। ये सारे जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। पहला जलप्रपात है जिसका नाम है भेड़ाघाट या धुआंधर, स्थान है जबलपुर। दूसरा है दुग्धधारा, इसका स्थान है अनूपपुर। तीसरा है मंदार जलप्रपात, जिसे हम खंडवा में कह सकते हैं। चौथा है कपिल धारा, अनूपपुर में। सहस्त्र धारा, महेश्वर में। और दर्दी, हंडिया में। ये आपको जलप्रपात देखने को मिल रहे हैं। अब इनसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकते हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि आपको दे दिया चचाई जलप्रपात, बीहड़ जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात और मंदार जलप्रपात। अब आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, चचाई, बीहड़, पूर्वा और मंदार। तो आपने को पता है कि हमने यहां पर सर की क्लास में पढ़ लिया था कि मंदार जो है यहां पर है, तो आप मंदार आंसर लगा दीजिएगा। अब आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि कपिल धारा जलप्रपात कहां पर स्थित है, या उसका स्थान कहां पर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अनूपपुर में। तो 6 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं जलप्रपातों से, और 6 क्वेश्चन उनके स्थानों से बन सकते हैं। बाकी यह हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ऊंचाई से भी बना दिया जाए। तो ये आपके महत्वपूर्ण जलप्रपात हो गए नर्मदा नदी के। अब बात करते हैं नर्मदा की सहायक नदियों पर।
क्योंकि नर्मदा का अवबाह्य तंत्र बड़ा कैसे बना, सेकंड नंबर पर कैसे आ रहा है, उसकी सहायक नदियों के कारण आ रहा है। नर्मदा नदी भी लंबाई में अधिक है, नर्मदा नदी लंबाई में अधिक है, इसके साथ ही उसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 41 सहायक नदी है नर्मदा नदी की, 41 सहायक नदी है। 41 सहायक नदी कहीं ना कहीं से जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। और अगर देखा जाए तो इनमें से 22 नदियां नर्मदा नदी की बाई ओर से मिलती हैं और दाई ओर से 19 नदियां मिलती हैं। अगर बायां बात करते हैं तो ये पार्ट जो है बायां पार्ट कहलाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी ऐसे दिशा में जा रही है। आपने रीजनिंग पढ़ी हो और रीजनिंग में दिशाएं पढ़ी हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अगर मैं इस दिशा से पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा हूं तो मेरा बायां पार्ट ये हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, बायां, और इस साइड का मेरा क्या हो जाएगा, दायां पार्ट हो जाएगा। तो बाएं पार्ट की नदियां और दाएं पार्ट की नदियां। तो जैसे अगर देखा जाए तवा नदी है, दूधी नदी, शक्कर, शेर, तो ये क्या है, बाई ओर की नदियां हैं, बरनार है, बंजर है, शेर है, शक्कर है, दूधी, देनवा, तवा और गंजाल, ये बाई ओर की नदियां हैं। दाई ओर की नदियों की बात करते हैं तो हिरण है, देखिए हिरण नदी है, मान नदी है, ठीक है, या फिर अगर बात कर सकते हैं हथनी है, तिंदोली है, बारना है, चंद्रकेश्वर है, कन्हार है, मान है, ऊटी है, इत्यादि नदियां आपकी क्या है, दाई ओर से मिलती हुई नजर आ जाएंगी। अब आप कहेंगे सर आपने तो 22 नदियां बताई हैं और यहाँ पर 19 बताई हैं, लेकिन यहाँ पर तो कम कम लिखी हुई है। तो ऐसा है कि नदियां क्या है कि जो इंपॉर्टेंट है, चूंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़ना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ लेना है कि 22 नदियों को पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी नदियों को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो नदियों को हम नहीं लिए हुए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया हुआ है। इसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पर, एक फैक्टर निकल के आता है कि नर्मदा की उत्तरी सहायक नदियों की लंबाई अधिक है। जो उत्तरी सहायक नदी है, यहाँ पर ये उत्तरी सहायक नदियां हैं, इनकी लंबाई को क्या है, अधिक माना गया है कि ये लंबा दूरी से चल के आती है, लेकिन दक्षिणी सहायक नदियों की लंबाई यहाँ पर कम बताई गई है कि ये कम दूरी तय करके नर्मदा में मिल जाती है, ठीक है। ये नर्मदा नदी के पिक्चर्स हैं, नर्मदा की सहायक नदियों के पिक्चर्स हैं, अलग अलग स्थानों से हैं लिए गए हैं कि नर्मदा नदी आके अन्य नदियों से मिल जाती है। ये नर्मदा नदी जा रही है, आई कोई नदी ऐसे ऐसे घूम घाम के और इसमें मिल गई, कोई दूसरी आई इसमें मिल गई, तीसरी आई कोई इधर से मिल गई, अलग अलग स्थानों पर नदियां मिलती रहती हैं। अब बात करते हैं नर्मदा देवी, नमामि देवी नर्मदे यात्रा के बारे में। नमामि देवी नर्मदा यात्रा एक यात्रा रही है जिसका उद्देश्य रहा है नर्मदा का संरक्षण करना, उसके शुद्धिकरण के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ये यात्रा शुरू हुई थी अमरकंटक से, और अमरकंटक से शुरू होकर लगभग लगभग 148 दिन तक ये यात्रा चली और लगभग लगभग 16 जिलों के 3350 किलोमीटर की दूरी इसमें तय की गई, और 15 मई 2017 को इसका क्या हुआ, समापन हुआ। 11 दिसंबर 2016 से शुरू हुई और 15 मई 2017 को इसका समापन हुआ, किसका, नमामि देवी नर्मदा यात्रा का। यहाँ पर आप जब शुरुआत हुई थी तो आप इसके पिक्चर्स को देख सकते हैं कि इस प्रकार से शुरू हुई थी। आगे बात करते हैं कि जब नर्मदा की बात हो रही है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात क्यों ना हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की जाती है तो यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी पर काफी सारे बांध बनाए जा रहे हैं और काफी सारे बांध बनाए गए हैं, और इन बांधों को बनाने पर होता क्या है कि बांध बनाया जाता है तो वहां पर पानी इकट्ठा होता है और बहुत सारा क्षेत्र क्या है, डूब में आ जाता है। जब क्षेत्र डूब में आ जाता है, आप कभी किसी बांध को, किसी डैम को देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत विशाल क्षेत्र में वो बना हुआ होता है, उसके उससे कई जो है सैकड़ों गांव क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि उसके पानी के भराव के कारण जो है प्रभावित होते हैं। तो उन गांवों को, गांव का गांव आप समझिए, एक एक गांव में मिनिमम 2000 लोग रहते हैं, तो वो 2000 लोगों की आबादी का गांव, 3000 लोगों की आबादी का गांव, पूरा गांव उठाकर दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है, ठीक है, किसके कारण, बांध बनाने के कारण। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों शुरू किया गया, उसकी वजह यह है कि बांधों और उनके निर्माण स्थल से लोगों के विस्थापन को रोकने के लिए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहे थे बसाने के लिए, उनको रोकने के लिए 1985 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन की अगर मुख्य प्रणेता की बात करी जाती है तो भाई कौन था जिसने शुरुआत करी कि भाई ये लोगों की आवाज उठाई जाए, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का, एक महिला का नाम निकल के आता है जो कि है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर एक समाज सेविका रही है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सुधारक है और भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता आप इनको मान सकते हैं। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को शुरू किया और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत के लिए श्रेय मेधा पाटेकर को दिया जाता है। 1985 में ये आंदोलन को शुरू किया गया, बाद में 89 से, सन 1989 से लगभग लगभग 4 वर्षों के प्रयास के बाद इस आंदोलन को नेशनली, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय रूप से विस्तार दिया गया, एक बड़े लेवल पर किया गया। इसके अलावा इनके सहयोगी
अगर आंदोलन एक व्यक्ति तो करता नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े लोग और आए इनके साथ में मिलकर, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अरुण पटेल, अरगंती राय, बाबा आमटे, सबाना आजमी, सुंदर लाल बहुगुड़ा का नाम आपने बिल्कुल जरूर सुना होगा। तो ये सभी लोग आए, इन्होंने इनके साथ में काम दिया, विस्तार किया, सक्रिय योजनाएं बनाई कि कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करी जाती है नर्मदा जल विवाद की। तो नर्मदा जल विवाद को सुलझाने के लिए बी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में नर्मदा जल विवाद अभिकरण यानी कि NWDT का गठन किया गया था। NWDT का गठन किया गया कब? 6 अक्टूबर 1996 को। तो ये भी एक पॉइंट आप बना सकते हैं, एक भी पॉइंट याद रख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों के बीच में नर्मदा नदी के जल को विवाद सुलझाने के लिए आप मान सकते हैं। कई स्टेट के बीच में जल विवाद होते हैं नदियों के पानी के वितरण को लेकर, और उनसे जैसे ऊर्जा पैदा होती है, बिजली पैदा करते हैं नदियों से ही हम बिजली पैदा करते हैं, तो उनके वितरण को लेकर कि कौन सा राज्य कितना परसेंट लेगा, कौन का कैसा रहेगा, तो ये काफी सारे जो है हंगामे होते रहते हैं, इनको ये कोर्ट में भी चलते रहते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट और आता है, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा छिप्रा, नर्मदा एक नदी है, बड़ी नदी है, छिप्रा एक नदी है, ये भी एक अच्छी खासी नदी मानी जाती है। दोनों नदियों को मिलाने की एक योजना बनाई गई। ये योजना क्यों बनाई गई, इसके पीछे एक, अगर आप 2016 के कुंभ में गए हो, सिंहस्थ कुंभ 2016 में हुआ था उज्जैन में, उज्जैन में ही होता है कुंभ, तो सिंहस्थ 2016 में हुआ था, क्योंकि छिप्रा नदी में जो है पानी नहीं था उस समय पर, क्यों, चूंकि क्या है कि नदियां क्या है कि 12 मास नहीं बहती हैं, कुछ कुछ नदियां जब पानी बरसता है तो उसके बाद फिर वो उनमें फ्लो आ जाता है, लेकिन तब पानी नहीं था। तो पानी नहीं था तो क्या किया गया कि छिप्रा नदी में नर्मदा नदी से पानी लाकर, यहां पर देखिए आप ये मैप में देख पाएंगे तो नर्मदा नदी यहां पर बह रही है, तो नर्मदा नदी यहां से पानी लेकर और यहां पर उज्जैन में, उज्जैन तक पानी ले जाया गया, नर्मदा का पानी बड़वाहा के आसपास से ले जाकर सीधा उज्जैन में मिलाया गया। तो नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना इस प्रकार थोड़ा सा समझ सकते हैं कि नर्मदा का पानी छिप्रा में मिलाए जाने की व्यवस्था बनाई गई। तो ये शुरुआत कब हुई थी, 29 नवंबर 2012 को इसकी शुरुआत हुई। इस परियोजना में ओंकारेश्वर यानी कि नर्मदा बांध से पानी छिप्रा नदी पर छोड़ा जा रहा है। यह परियोजना प्रदेश की नदियों पर आधारित प्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आती है। इस परियोजना से लाभ भी है, क्या लाभ है कि यहाँ का उज्जैन और जो नर्मदा नदी के बीच की अगर बात करते हैं या इंदौर क्षेत्र की बात करते हैं, तो जो आसपास के जो जिले हैं, देवास है, इंदौर है, उज्जैन है, ये जो अगर हम क्षेत्र की बात करी जाती है, इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में क्या हुआ है, सिंचाई का व्यवस्था हो गया। क्या, क्योंकि नदियों से ही हम क्या कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सिंचाई करने का काम करते हैं, नदियों से नहरें बनती हैं, नहरों से ही हम क्या सिंचाई करने का काम करते हैं, किसान लोग कैसे काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं, सिंचाई कैसे होती है, नहरों से हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है कि देवास है, उज्जैन है, शाजापुर है, इंदौर है, इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में क्या हुई भाई, सिंचाई हुई। अब सिंचाई होगी तो वो क्षेत्र कैसा रहेगा, समृद्ध क्षेत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, किसान समृद्ध रहेगा तो सब कुछ समृद्ध है, एक बात ये मान लीजिए, क्योंकि हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान है, हमारे कृषि प्रधान देश होने के कारण ही हम अगर देखा जाए तो किसानों को जो है हित लाभ ज्यादा दिया जाता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरी चीज अगर बात करते हैं कि एक और नदी जोड़ो परियोजना हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसे कहते हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी? कैन नदी को बेतवा नदी से जोड़ने की बात, कैन बेतवा लिंक परियोजना। ये जो ये अगर बात की जाती है, ये मालवा अंचल के लिए है। तो कैन बेतवा किसके लिए है? कैन बेतवा है बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि मालवा अंचल में पानी अच्छा खासा है, मालवा अंचल में खेती भी बढ़िया तरीके से होती है, लेकिन बुंदेलखंड में तुलनात्मक रूप से नहीं होती, बुंदेलखंड में सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है बुंदेलखंड को। तो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को हरियाली भरा बनाने के लिए, वहां पर कृषि अच्छी करने के लिए कैन बेतवा दो नदियों को जोड़ने की परियोजना बनाई गई है। आगे बात करते हैं नर्मदा नदी से संबंधित पुस्तकों के बारे में। देखिए, पुस्तकों से एक आध ना एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, पुस्तकों को समझें, उससे पहले एक व्यक्ति के बारे में बता देता हूं। ये व्यक्ति आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, देखिए पिक्चर्स इसलिए डाल देते हैं, इमेजेस इसलिए डाल देते हैं कि आपको वो चीजें याद बनी रहे उनका। जैसे आप नर्मदा पुत्र का नाम याद लो तो आपके मन में इनको फोटो को देख के, आपको ये फोटो जैसे आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, ये फोटो को देखकर आपको लगे कि हाँ हमने इनको कहीं देखा। तो नर्मदा नदी के नर्मदा पुत्र कौन है? तो अमृतलाल बेगड़ है। इनका नाम क्या है? अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुत्र क्यों कहलाए? आई थिंक इसलिए कहलाए होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है, ये किताब है, लिखी है। किताब का क्या नाम है? सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो ये किताब है सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ के द्वारा लिखी गई है। दूसरी है नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, ये भी अमृतलाल बेगड़ के द्वारा लिखी हुई है।
तीसरी है द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, ये भी अमृतलाल बेगड़ के द्वारा। अमृता से नर्मदा, ये भी अमृतलाल बेगड़ के द्वारा। धीरे धीरे नर्मदा, ये भी अमृतलाल बेगड़ के द्वारा। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये भी अमृतलाल बेगड़ के द्वारा। अब ये छह किताबें आप देख सकते हैं, पांच या छह किताबें टोटल हो रही हैं और ये इनके द्वारा लिखी गई हैं, और भी लिखी गई हूँ लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से दो तीन दो एग्जाम में आ चुकी है तो मैंने लिख लिए, कवर कर लिए। साथ ही में और भी बुक्स हैं जो नर्मदा नदी पर लिखी जा चुकी है। बुक्स तो इतनी है कि आप गिन नहीं सकते, इतनी सारी बुक्स है नर्मदा नदी के ऊपर लिखी गई। अब इनमें अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा समग्र अनिल माधव दवे, ये जो दो चार आपकी ऊपर लिखी हैं, मैंने क्या है कि ऐसे लिखे हैं कि जो आई हुई हैं उनको ऊपर लिखा है, जो नहीं आई हैं उनको और नीचे लिखा है। तो ये नर्मदा समग्र अनिल माधव दवे, जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे पंकज श्रीवास्तव, अत नदी कथा हरिकृष्ण देवसरे, नर्मदा हर हर नर्मदे सुहास लमये, और नर्मदा परिक्रमा रामप्रसाद पाठक। इसके अलावा इन किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं, इनके लेखकों को भी आप पढ़ सकते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं और बात करेंगे अब नर्मदा से संबंधित नर्मदा घाटी परियोजनाओं के बारे में। नर्मदा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम नदियों से क्या है, विद्युत का उत्पादन करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, वहां पर बांध लगाते हैं, डैम बनाते हैं, विद्युत संयंत्र लगाते हैं, टर्बाइन वगैरह, या जो भी जिस भी स्थिति से हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नदियों से ही बिजली प्राप्त कर रहे हैं ना, नदियों से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। तो बिजली प्राप्त करने के लिए काफी सारी जो है बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा रही है। एक बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय शब्द ही कह रहा है, बहु मतलब बहुत, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, बहुत उद्देश्यों वाली जो परियोजना है, जो काम है, एक परियोजना से काफी सारे काम निकाले जा रहे हैं, जैसे कि उससे हो सकता है कि सिंचाई भी की जा रही हो सकता है उससे बिजली भी बनाई जा रही हो सकता है और अन्य काम भी लिए जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, एक बहुउद्देशीय परियोजना हो जाती है। तो नर्मदा घाटी पर काफी सारी परियोजनाएं हैं। अब ये मध्य प्रदेश राज्य में भी है, ये गुजरात राज्य में भी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नर्मदा नदी, तो हम मध्य प्रदेश की भी पढ़ लेंगे और गुजरात राज्य की भी पढ़ लेंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम गुजरात राज्य की क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इससे मतलब है कि हम नर्मदा नदी की पढ़ रहे हैं, समझ गए बात को, हम पूरा नर्मदा नदी कवर करेंगे। अब इनसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी मैं बता देता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो प्रश्न पूछा जाता है कि एक इंदिरा सागर परियोजना है, उस परियोजना से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो इंदिरा सागर परियोजना से ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, तो 1000 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। इंदिरा सागर परियोजना कहां पर स्थित है, ऐसा भी प्रश्न पूछा सकता है, तो खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना से कितने हेक्टेयर, कितने वर्ग किलोमीटर या कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से जिले इंदिरा सागर परियोजना से लाभान्वित है या ओंकारेश्वर परियोजना से लाभान्वित है, कौन कौन से जिलों में सिंचाई की जा रही है उस परियोजना के माध्यम से। मान के चलते हैं एक डैम है आपके, मेरे जिले में है, शिवपुरी जिले में, मेरा जिला शिवपुरी है, तो मेरे जिले में एक डैम बना हुआ है। अब ये डैम शिवपुरी जिले के अलावा दतिया जिले को भी सिंचाई के लिए कुछ दे रहा है पानी, और गुना जिले के लिए भी दे रहा है, और अशोकनगर जिले के लिए भी दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शिवपुरी जिला की जो ये परियोजना है वो तीन जिलों को सिंचाई दे रही है। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने क्षेत्र में दे रही है, कितना बिजली उत्पादित कर रही है, कब उसको स्थापित किया गया था, किसने स्थापित किया था, किसने आधारशिला रखी थी, ऐसे प्रश्न आते हैं। इन सारे प्रश्नों को आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर क्रियान्वित नर्मदा घाटी परियोजना, पांचवी सबसे बड़ी परियोजना है। उद्देश्य क्या है, प्रमुख दो उद्देश्य है नदी घाटी परियोजना के, दो उद्देश्य होते हैं, एक तो सिंचाई करना क्षेत्र किसान के लिए, और विद्युत उत्पादन करना। तो विद्युत उत्पादन करेंगे तो आपके घर पर लाइट कहां से आ रही है, तो विद्युत उत्पादन के माध्यम से आती है, विद्युत उत्पादन होगी तभी तो आएगी। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना के रूप में ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना के रूप में 29 बृहद बड़ी, 135 मध्यम और 3000 से अधिक छोटी परियोजनाएं, 29 बृहद, 135 मध्यम, 3000 छोटी परियोजनाएं आपको लघु सिंचाई परियोजनाएं मिल जाती है, कहां पर, नर्मदा नदी पर। अब समझिए कि 3000 को और 135 को 29 बड़ी को याद करना बहुत बड़ा टास्क है, तो इनसे प्रश्न पूछे भी नहीं जाते, हमें जो आते हैं वो हम आपको बताते हैं। इन परियोजनाओं से 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। 1 अगस्त 2000 को, एक फैक्ट और है यहां पर कि 1 अगस्त 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कर इस परियोजना से जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रभावी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। तो रोजगार क्रियान्वित करने के लिए नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करी गई 2000 में, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर दो प्रमुख बांध हैं जो कि बहुत ज्यादा विवाद में घिरे हुए थे, इन पर कुछ ना कुछ केस वेस वगैरह चलता रहा। एक था इंदिरा सागर बांध और दूसरा था सरदार सरोवर बांध, एक इंदिरा सागर बांध, दूसरा सरदार सरोवर बांध। ये आपका इंदिरा सागर बांध है और ये सरदार सरोवर बांध है।
आपने यहां पर एक मूर्ति देखी होगी, अगर देखा हो कहीं पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखिए, उसके पास से जो नदी निकल रही है ये भी कौन सी नदी है, ये भी नर्मदा नदी है। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे मध्य प्रदेश में तो है नहीं, कहां पर है, गुजरात राज्य में। अब कहां पर है, तो गुजरात राज्य में है लेकिन नर्मदा नदी किनारे है, तो ये भी एक फैक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भी स्लाइड पर लिखा है वो सारा का सारा आपके लिए लिखा है और इंपॉर्टेंट लिखा है, तो ध्यान करिए कि स्लाइड पर लिखी हुई हर एक बात बेकार नहीं है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, और हर एक जो गोला लगा हुआ है, हर एक तीर जो है दर्शा रहा है आपको कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना है। इंदिरा सागर परियोजना की बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर बनी हुई एक बहुउद्देशीय परियोजना है। खंडवा जिले कहां से निकलती है, खंडवा कहां पर बनी हुई है, खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में। तो हम देख रहे हैं कि इस मैप में देखेंगे नर्मदा नदी का अभ्यय तंत्र का ही एक मैप है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो डैम बना हुआ है इसे हम कह रहे हैं इंदिरा सागर, क्या कह रहे हैं, इंदिरा सागर परियोजना कह रहे हैं, और ये कहां पर है, खंडवा के पुनासा ग्राम में। इंदिरा गांधी जी के द्वारा इंदिरा सागर परियोजना की शुरुआत की गई 23 अक्टूबर 1983 को। ये 27 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करता है और 2004 से 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहां से किया जा रहा है। 1000 मेगावाट की क्या है उत्पादन यहां से क्षमता बनती हुई नजर आती है। ये आपका यहां पर इंदिरा सागर का आप एक फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है, ये जब बांध चालू हो जाता है बरसात के समय पर तो इस प्रकार से दिखाई देता है, और जब बांध ये आपके जो गेट जो होते हैं खुलते नहीं है तो इस प्रकार से दिखाई देता है। अगला हमारे पास है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य के भरूच जिले में है, ठीक है, भरूच के केवड़िया गांव में है, और यहां पर इसकी आधारशिला रखी है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में। ध्यान रखिए कि 1961 में आधारशिला रखी गई और 2017 में बांध का निर्माण पूरा हो गया 17 सितंबर को। ध्यान करिए कि 17 सितंबर को किस व्यक्ति का जन्मदिन आता है ना, कमेंट करके बता सकते हैं आप, 17 सितंबर को किस व्यक्ति का, महान व्यक्ति का जन्मदिन आता है, राजनीतिक व्यक्ति है, ठीक है। तो इस समय पर बांध का निर्माण पूरा हुआ और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। एक फैक्ट यहां से ये भी बन जाता है, नर्मदा नदी पर बना हुआ कौन सा ऐसा बांध है जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, तो ये सरदार सरोवर परियोजना बनती हुई नजर आएगी। यहां से 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है जिसमें से 57% 1450 का 57% मिलेगा एमपी को, 27% मिलेगा महाराष्ट्र को और 16% मिलेगा गुजरात को। साथ ही में 18.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर क्या होगी, यहां से सिंचाई होगी। एक परियोजना है ओंकारेश्वर परियोजना। अब देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं, हमने पढ़ ली कौन सी योजना, इंदिरा सागर, तो ये आपकी इंदिरा सागर कवर हो गई। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं, ये वाली कौन सी है आपकी इंदिरा सागर। इंदिरा सागर के बाद हमने यहां पर कौन सी पढ़ ली, सरदार सरोवर, ये भी कवर हो गई, ये भी कवर हो गई, इंदिरा सागर हो गई, सरदार सरोवर हो गई। अब इसके बाद पढ़ रहे हैं हम ओंकारेश्वर परियोजना को। ओंकारेश्वर परियोजना की अगर बात करते हैं तो तीसरा परियोजना यहां पर आपको दिख रही होगी, ये ओंकारेश्वर परियोजना, क्या लिखी है, ओंकारेश्वर परियोजना। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये स्थान जो है ओंकारेश्वर स्थान है, और ओंकारेश्वर कहां पर मिलता है, खंडवा जिले में मिलता है, मानधाता नाम का ग्राम है वहां पर। खंडवा, खरगोन और धार जिले, तीनों जिले क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, आसपास के जिले हैं, इनको भी पानी दिया जाता है। अनुमानित विद्युत क्षमता की बात करते हैं तो 520 मेगावाट क्षमता यहां से उत्पादित की जाती है। बांध की लंबाई 949 मीटर, ये जो लंबाई की अगर बात करते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है, 949 मीटर है, और ऊंचाई की अगर बात करते हैं, इस बांध की ऊंचाई की बात करी जाती है तो 73 मीटर इसकी क्या बन जाएगी, आपकी ऊंचाई बनती हुई नजर आएगी। 283,324 हेक्टेयर क्षेत्र पर इसकी क्या होती है, सिंचाई होती है। अब एग्जैक्ट नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन लगभग ध्यान रखना है कि हाँ 283 लाख हेक्टेयर के बराबर है, 283,000 हेक्टेयर के आसपास है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है रानी अवंतीबाई सागर। देखिए रावणी अवंतीबाई सागर से एक प्रश्न पूछा जाता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका सेकंड नाम जो है वो है बरगी बांध या बरगी परियोजना। ये रानी अवंतीबाई सागर कहां पर है, तो ये जबलपुर जिले में बिजोरा के बरगी नाम के स्थान पर है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, 1890 में निर्माण हुआ था और इसकी क्षमता जो है 90 मेगावाट के आसपास है। जबलपुर, मंडला, सिवनी जिलों में के लिए सिंचाई करती है 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास। एक बांध और आता है आपका जो कि है महेश्वर बांध। कौन सा बांध, यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बरगी बांध है, ठीक है, कौन सा बांध है, बरगी बांध, और बरगी बांध कहां पर है, जबलपुर में। तो हर एक को आप मैप से समझ लीजिए और आप चाहें तो एक मैप बना सकते हैं खुद का कि जैसा मैप ये बना हुआ है ना ऐसा ही आप मैप बना लें। अब आप यहां पर एक ऐसा एक तीर लगाकर एक पॉइंट लिख लीजिए कहां पर है भैया, ये जबलपुर में है,
इसका दूसरा नाम क्या है? रानी अवंतीबाई। बरगी का दूसरा नाम क्या है? रानी अवंतीबाई सागर। ये कितने हेक्टेयर में सिंचाई कर रहा है, कितने जिलों में सिंचाई कर रहा है, कब इसकी आधारशिला रखी गई, कब इसके बारे में पॉइंट ऐसा लिख लिया। अब मान के चलते हैं ओंकारेश्वर परियोजना के बारे में आपको जानकारी मिल गई, तो यहाँ पर लिखिए एक पॉइंट, ऐसे स्टार स्टार बना के पॉइंट डाल दीजिए कि भाई कब कहाँ पर है, खंडवा में है, कितना मेगावाट उत्पादन कर रहा है, 520 कर रहा है, कितने लाख हेक्टेयर पे है, तो 2,83,000। तो जो भी पॉइंट आपको बताया उनको लिख लीजिए शॉर्ट में, तो एक ही पेज पर आपको सारी परियोजनाएं मिल जाएंगी। जब भी आप रिवीजन करने जाएंगे तो पट से आप एक पेज को देखेंगे, पूरी परियोजनाएं निपट गई। महेश्वर बांध की अगर बात करते हैं तो महेश्वर बांध खरगोन जिले के महेश्वर कस्बे में नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? नर्मदा नदी पर आपको महेश्वर बांध देखने को मिल जाएगा। 400 मेगावाट की क्षमता यहां से भी उत्पादित की जाती है। कहां से? महेश्वर परियोजना से। तो आप महेश्वर परियोजना की अगर बात करते हैं कहां पर दिख रही है, तो ये महेश्वर परियोजना है। देखिए तो हमने कौन कौन सी कवर कर ली है, बरगी कवर कर लिया, इंदिरा सागर कवर हो गया हमारा, ओंकारेश्वर कवर हो गया, महेश्वर हो गया, सरदार सरोवर हो गया। अब जो भी बचे हैं जैसे कि जुवट है, मान है, तवा है, इनको भी हम कवर करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जुवट परियोजना की, तो जुवट परियोजना अगर आप मैप में देखेंगे तो जुवट बांध परियोजना यहां पर है, ये नर्मदा पर नहीं है, नर्मदा नदी पर नहीं है, लेकिन नर्मदा की ही सहायक नदी पर है। नर्मदा की सहायक नदी जुवट नदी पर आपको देखने को मिल जाता है, जुवट या हथनी नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जुवट में हथनी नदी पर ये स्थित है, धार और अलीराजपुर जिले को ये सिंचाई करने का काम करती है, यहां पर आपको जुवट मिल जाएगी। जुवट नदी का, जुवट परियोजना का ही दूसरा नाम है चंद्रशेखर आजाद परियोजना, तो दूसरे नाम याद रखें क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। मान परियोजना दूसरी परियोजना है, ये भी नर्मदा की सहायक नदी पर है, ये सहायक नदी आ रही है और ये नर्मदा नदी है और ये नर्मदा नदी से यहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर बांध बीच में बना हुआ है, ठीक है, बीच में क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है। तो मान परियोजना है, मान नदी पर बनी है, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी नदी है, मान नदी है। धार और झाबुआ क्षेत्र को सिंचाई करती है। तीसरी एक प्रमुख परियोजना है यहां पर है तवा बांध। कौन सा है? तवा बांध परियोजना। तवा बांध परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको इटारसी में नर्मदापुरम में आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर, और नर्मदा की सहायक तवा नदी पर यहां पर 1960 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। होशंगाबाद, सीहोर और हरदा जिलों को क्या करती है, सिंचाई करने का काम करती है। 1,000 मेगावाट का उत्पादन करती है, बहुत बढ़िया, 1,000 मेगावाट का उत्पादन ये भी करती है। और 1,000 मेगावाट का ही उत्पादन अगर शायद आपने देखा होगा तो इंदिरा सागर परियोजना भी 1,000 मेगावाट का ही उत्पादन करती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी परियोजना है वो है कोलार परियोजना। कोलार परियोजना देखिए बात की जाती है सीहोर जिले में, नर्मदा की ही सहायक नदी कोलार पर है। इसे वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित किया गया था या निर्माण किया गया था। 7,800 हेक्टेयर भूमि पर इसकी सिंचाई, इससे सिंचाई होती है। एक परियोजना आती है सुक्ता परियोजना, जो कि खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर है। सुक्ता नदी पर इसे बनाया गया है, खंडवा जिले में 18,000 क्षेत्रफल के आसपास स्थित है, मतलब इससे क्षेत्र सिंचाई होती है। इससे भगवान सागर परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। तो सुक्ता का दूसरा क्या नाम हो जाएगा, भगवान सागर हो जाएगा। यहां पर हमारी नर्मदा से संबंधित सारी परियोजनाएं कवर हो चुकी है। अब हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा सोन घाटी, एक भौगोलिक क्षेत्रफल है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि नर्मदा सोन घाटी हमारे मध्य प्रदेश में के मैप में कहां पर मिलती है। नर्मदा सोन घाटी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, और यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो नर्मदा सोन घाटी आपको ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है मालवा के पठार के नीचे, ये क्या कहलाती है, नर्मदा सोन घाटी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी को मैं क्या कर देता हूँ कि थोड़ा सा कलर कर देता हूँ उसको, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक का पार्ट नर्मदा सोन घाटी है। तो ये देखिए ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये नर्मदा सोन घाटी है। क्या है ये? नर्मदा सोन घाटी वाला पार्ट है। और नर्मदा सोन घाटी वाला पार्ट की अगर बात करते हैं, एक बड़ा भूभाग है, एक बड़ा भूखंड है हमारे मध्य प्रदेश राज्य का। यहाँ पर क्या है कि भूगर्भिक हलचलें होती हैं, भूमि के जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर गर्भ में काफी सारी हलचलें होती हैं, चट्टाने वट्टाने होती हैं, उन हलचलों के कारण यहाँ पर भ्रंश और कगार बने हुए हैं, और भ्रंश इसीलिए इसे भ्रंश घाटी भी हम कह सकते हैं। तो भ्रंश घाटी का धारण है कौन सी, नर्मदा सोन घाटी। इसके देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इससे एक पॉइंट बन सकता है और बना भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नर्मदा किस घाटी का उदाहरण है, तो भ्रंश घाटी का उदाहरण नर्मदा सोन घाटी। और नर्मदा सोन नदी की विषम स्थलाकृतियों से प्रवाहित होने के कारण यहाँ से जलप्रपातों का निर्माण भी हुआ है, क्योंकि उच्चावच होता है, कभी कहीं पार्ट ऊंचा है, कोई पार्ट नीचा है। तो देखिए अगर जैसे नदी यहां से आ रही है, मान के चलते ये नदी इस साइड इस दिशा से ऐसे आ रही है, अब यहां पर क्या है कि ये ऐसा है, नीचे की तरफ है,
घूम के आएगा, तब नीचे की तरफ गिरेगी नदी, ऊपर के पार्ट से ऐसे बहती हुई नजर आ रही है, अब यहाँ फिर ऐसे बहनी है, तो ऊपर से आके नीचे गिरेगी नदी इस प्रकार से, तो वो क्या बनेगा, एक जलप्रपात बनेगा, ऊपर से आके नीचे जाएगा तो वाटरफॉल बन जाएगा। तो वाटरफॉल का निर्माण भी यहाँ पर इसी कारण से हुआ है क्योंकि उच्चा वच्छ है। इसके अलावा इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और इसके उत्तर में देखा जाए तो आपको उत्तर में मिल जाएगा आपको मालवा का पठार कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी आपको उत्तर में देखने को मिल जाएगी। नर्मदा सोन घाटी जो है सबसे निचला भूभाग है, लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, और दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक भाग बनता हुआ नजर आता है मध्य प्रदेश का। पूरे राज्य का 26% क्षेत्रफल नर्मदा सोन घाटी का ही है, ठीक है। तो नर्मदा सोन घाटी कितना परसेंट क्षेत्रफल घेरे हुए है, 26% पार्ट घेरे हुए है। अगर बड़े पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये ब्लू पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है मालवा का पठार। तो यहाँ पर मालवा का पठार दिखाई दे रहा होगा, ये आपको जो गुलाबी सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये है मध्य भारत का पठार। क्या है? मध्य भारत का पठार। और यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, ये है रीवा पन्ना का पठार, ये है बघेलखंड का पठार। तो इस प्रकार से आपको सारे पठार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये सतपुड़ा पर्वतीय विदेश मिल सकता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं मेघालय पर्वत श्रेणी वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये पूरा मध्य प्रदेश कवर हो जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि मध्य प्रदेश का भूभाग कैसा है, पठारी है, मैदानी समतल है, तो कैसा है? तो पठार अधिकतर है, पूरे पठारी पठार पर तो बसा है, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, सब पठारी पठार तो है। तो ये पठारी क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश का भाग। इसका विस्तार जो है अगर बात करते हैं, नर्मदा सोन घाटी का विस्तार काफी जिलों में है, 16 जिलों में आपको देखने को मिल जाता है लगभग। इस नदी घाटी क्षेत्र में आर्कियन काल से होलोसीन काल तक की चट्टानें मिलती हैं। ये जो नर्मदा सोन घाटी है इससे बहुत सारी पुरानी चीजें भी मिली हुई हैं, जैसे कि नर्मदा मानव कंकाल मिला है, कई अवशेष मिले हैं, डायनासोर के अंडे मिले हैं इसी सोन घाटी के इसी क्षेत्र में से। तो ये आर्कियन काल से होलोसीन काल तक की जो चट्टाने हैं वो चट्टाने भी यहाँ से मिली हुई हैं, ये बहुत पुराना क्षेत्र ऐसा माना गया है। नर्मदा की निचली घाटी गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में इसकी निचली घाटी मिल जाती है, साथ ही में दक्कन ट्रैप और दक्षिणी भाग में ऊपरी दक्कन ट्रैप की चट्टाने आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दक्कन ट्रैप अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर लगता है, और यहाँ पर दक्कन की चट्टाने, दक्कन इसे कहा जाता है, दक्कन की चट्टाने मिल सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, मालवा में शब्द आ रहा है लावा, लावा से निकलती है, लावा जहां पर है वहां पर अगर कह सकते हैं, तो यहाँ पर काली मिट्टी आपको ज्यादा मिलती है, तो ये मिट्टी उपजाऊ भी होती है, ये भी समझ सकते हैं। यहाँ से आपको डायनासोर के अंडे भी मिले हुए हैं, तो कई विशाल से प्रजातियों के अंडे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हम एक क्विज भी कराने वाले हैं, तो क्विज को देखकर ही जाना है आपको। नर्मदा नदी को कहा जाता है रिवर ऑफ प्लेजर, क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है, तो एक फैक्ट ये खबर हो जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी में महासीर मछली पाई जाती है, तो ध्यान रखना कि महासीर जो मछली है वो राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की, और ये पाई जाती है नर्मदा नदी में। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पर बना हुआ है, तो वो भी याद रखना कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कौन सी भ्रंश घाटी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से नर्मदा नदी बहती है। साथ ही में सबसे बड़ा जिला अपवाह तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा जिला आता है, तो वो जबलपुर जिला आता है। इसके अलावा कौन सी नदी नर्मदा विवाद से संबंधित है, तो ध्यान रखना कि खोसला समिति, ठीक है, खोसला समिति जो है नर्मदा विवाद से संबंधित बनती हुई नजर आती है। नर्मदा विवाद विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, ऐसा प्रश्न बन जाए तो 1985 में स्थापना हुई। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण 1980 में बना, और 80 से ही 20 सितंबर से इसने काम शुरू किया। नर्मदा नदी में एक स्थान और है जिसे हम जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, और इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। ग्वारी घाट पर गौ कुंभ भी लगाया गया है, नर्मदा नदी पर ग्वारी घाट है और यहाँ पर गौ कुंभ भी लगाया गया है 24 फरवरी 2020 को। महेश्वर घाट है, चूंकि महेश्वर घाट भी नर्मदा के किनारे ही है, और इसका निर्माण कराया गया था किसके द्वारा, होलकर राजवंश से संबंधित अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इनका महेश्वर घाट का निर्माण कराया गया था। महेश्वर घाट के बारे में एक और प्रमुख इंपॉर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही में सितंबर महीने के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस भी मनाया जाता है, तो नदी से एक प्रश्न ये भी बन सकता है। नर्मदा घाटी पाषाणकालीन मानव सभ्यता से संबंधित है, इसके विकास की मुख्य भूमि रही है, बहुत प्राचीन, मैंने बताया कि बहुत प्राचीन समय से इसका इस प्राचीन है, और यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली भी हुई हैं, और बहुत सारे पाषाणकालीन स्थल और उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि धौलावीरा है, कालीबंगा है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, ये क्या है कि हमें मिले हुए हैं स्थल है,
ना स्थल हमने खोजे हुए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नर्मदा घाटी में भी क्या है, कुछ ना कुछ स्थल मिले हैं, कुछ ना कुछ उपकरण मिले हुए हैं। जैसे आप देखते हैं उन्होंने कहा कि घोड़े की हड्डी मिली हुई है या कंकाल या अवशेष मिला हुआ है, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से चीजें मिली हुई नजर आ जाती है। इसके अलावा अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के क्या है, जीवाश्म भी प्राप्त हुए, जीवों के अवशेष भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही में सीहोर जिले के हथनोरा नाम के स्थान से एक कंकाल मिलता है, जो मानव की खोपड़ी होती है, स्कल जिसको हम कहते हैं, उस स्कल मिला हुआ है, उसे नाम दिया गया है नर्मदा मानव। तो नर्मदा मानव भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चेरी राज्य का जो विस्तार है, चेरी राज्य बेसिकली हम कह सकते हैं बुंदेलखंड को, वर्तमान हमारा बुंदेलखंड चेरी राज्य कहलाया जा सकता है। बेसिकली उस समय पर चेरी राज्य की बात करते हैं तो महाजनपदों के अंतर्गत आता था, और चेरी की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के क्षेत्र से उड़ीसा के क्षेत्र तक, वर्तमान का जो उड़ीसा राज्य है वहां तक चेरी राज्य फैला हुआ था। तो ये भी आप समझ सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्कोट नागवंशी जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह करवाया था इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ, और उन्होंने रेवा नाम दिया था। साथ ही में मालवा का पठार नर्मदा व चंबल के बीच में मध्य विभाजक का कार्य करता है। मालवा का पठार क्या करता है, नर्मदा नदी और चंबल नदी के बीच में विभाजक का कार्य करता हुआ नजर आता है। साथ ही में यहाँ पर एक स्थान और है नर्मदा के ही पास में, मांडू नाम का स्थान है, जिसे मांडवगढ़ या सादियाबाद के नाम से जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय मांडू को कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय, या हम हिंदी में कह सकते हैं आनंद की नगरी। क्या कहते हैं, आनंद की नगरी कौन सी है, तो मांडू कहते हैं। मांडू किस जिले में आता है, तो धार जिले में आता है, धार जिले में खरबूजा महल भी स्थित है। इसके अलावा ये हमने बहुत सारे फैक्ट देखे नर्मदा नदी से संबंधित पढ़ लिए। अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट पता हो तो चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, आपको कोई ऐसा फैक्ट जो रह गया हो और जो एग्जाम में आ सकता हो वो बताइए। मैंने प्रयास किया हुआ है कि सारे फैक्ट आपको कवर कर ले। एक बार मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी नर्मदा नदी से संबंधित, 5 मिनट में 20-25 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहे, क्लास में जुड़े रहे, बहुत आनंद आने वाला है। देखिए हमने लगभग लगभग देखा जाए तो पूरा प्रयास किया हुआ है कि सब कुछ कवर हो जाए। देखिए शुरुआत से अगर अपन देखते हैं तो नर्मदा से संबंधित सारे जो सामान्य फैक्ट होते हैं कि लंबाई कितनी है या जीवन रेखा वगैरह, इस प्रकार के प्रश्न, कितने जिलों से प्रभावित होती है राज की नदी, ये सामान्य फैक्ट हो गए ना, सामान्य बातें हो गई। सामान्य फैक्ट के बाद में इसके बारे में हमने डेल्टा और एश्चुरी के बारे में पढ़ा कि डेल्टा क्या होता है, एश्चुरी क्या होता है, लोग रट लेते हैं ये एश्चुरी से नर्मदा नदी एश्चुरी बनाती है, एश्चुरी बनाती है, एश्चुरी पता नहीं है कि एश्चुरी क्या है। हमने यहाँ पर समझा दिया कि ये डेल्टा कहलाता है, ये एश्चुरी कहलाता है। फिर इसके बाद हमने उसके बारे में अन्य जानकारी ली, पटवारी टेस्ट सीरीज के बारे में भी जानकारी ली, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई साहब मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको 100% ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन प्रैक्टिस आपको ये करनी चाहिए, ये बात याद रखना। मैं आपको बता रहा हूं कि आप 251 रुपीज, कोई बड़ी फीस नहीं होती, इसमें आपको इतने सारे टेस्ट मिल रहे हैं। आप सॉल्यूशन एक बार देखिए, आप एक बार डेमो टेस्ट लेकर तो देखिए, तो पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर पहले आइए, डेमो टेस्ट लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे डेमो दीजिए, सबमिट कीजिए टेस्ट को, और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए और अपना एनालिसिस कीजिए, मजा आएगा आपको। आप पहले टेस्ट में आपके नंबर कम है, दूसरे टेस्ट में बढ़ेंगे, फिर तीसरे में और बढ़ेंगे, फिर चौथे में और बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके नंबर बढ़ते हैं, एकदम से चमत्कार कुछ नहीं होता ना, मेहनत करोगे तो बढ़ेंगे। तो आइए ज्वाइन कीजिए पेपरलेस स्टडी पर टेस्ट सीरीज को। यहाँ पर हमने नर्मदा के अभ्य तंत्र के बारे में समझा, नर्मदा की नदी के किनारे जो बसे नगर है उनके बारे में समझा, नर्मदा नदी के अन्य नामों के बारे में समझा, जलप्रपातों पर बात की, उसकी सहायक नदियों पर बात की, नर्मदा यात्रा पर बात की, आंदोलन पर बात की, जल विवाद पर बात की, छपरा लिंक परियोजना पर बात की, संबंधित पुस्तकों से बात की, नर्मदा घाटी परियोजना की बात करी, परियोजना में इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, अवंती भाई, महेश्वर, जोबट, मान, तवा, कूलार, शुक्ता इत्यादि परियोजनाओं के बाद हमने नर्मदा स्वामी घाटी को पढ़ा। इसके बाद हमने अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य कवर होने के लिए रह गए थे सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अगर अब भी कोई कमेंट रह जाता है या अब भी कोई तथ्य रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ना, तो हम वो उसको पिन कर देंगे कमेंट को, या अपनी तरफ से एक और मैसेज डाल देंगे पिन कमेंट बॉक्स में पिन करके, तो आप सभी लोग बाद में जो वीडियो को देखेंगे तो वो भी इसका फायदा ले पाएंगे। अब प्रश्नों की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की मैं किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो जीवन रेखा आप सभी पता है नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से, अमरकंटक से। नर्मदा ताप्ती माही क्या है, पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की। रेवा नदी किसके कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। सतपुड़ा और पर्वत मालाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। मान नदी किसकी सहायक नदी है, तो मान नदी जो है बेसिकली नर्मदा की सहायक नदी है। तवा देनवा शक्कर किस नदी की सहायक नदी है, तो ये भी नर्मदा की सहायक नदी है।
नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली कौन सी नदियां हैं या कौन सी नदी है, तो तवा नदी है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में पारंपरिक सीमा निर्धारण करती है, तो नर्मदा नदी निकलती है, तो ऊपर का हिस्सा उत्तर और नीचे का हिस्सा दक्षिण भारत कहलाया जा सकता है, हम कह सकते हैं। नर्मदा नदी पर आधारित सौंदर्य की नदी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अमृतलाल बिगड़ के द्वारा लिखी गई है, इन्हें हम नर्मदा पुत्र भी कहते हैं। 2017 में किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, तो नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर देखा जाता है, तो नर्मदा नदी पर देखा जाता है। खुशी का दाता गिवर ऑफ प्लेजर किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो कहां पर है, तो नर्मदा नदी पर बना है। ये सारे फैक्ट हैं और सारे फैक्ट सारे ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे बन सकते हैं 300 प्रश्न जो आज की क्लास से मैं कवर कराए हैं उनसे 300 प्रश्न बन सकते हैं और उनके आंसर नर्मदा नदी के इर्द गिर्द ही होंगे। अब थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लिया जाए तो आपको बताना रहेगा। सारे प्रश्न आपके यहाँ पर कवर हो गए। अब आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए आज ही। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9407375009 पर आप अपना नाम, अपने जिले का नाम और एमपी पटवारी लिखकर भेज दीजिए, जिससे हम आपको अपने पेपरलेस स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लें। और इस नंबर को सेव जरूर करना, तभी मैसेज करना, बिना सेव किए हुए नंबर मत ज्वाइन मत करना या मैसेज मत करना। सेव कर लेना आप पेपरलेस स्टडी नाम से, पेपरलेस स्टडी नाम से सेव कर लेना, या फिर आप सेव कर सकते हैं शिवम नीकरा नाम से। ये मेरा नाम है शिवम नीकरा, तो इस नाम से सेव कर लीजिए या इस नाम से सेव कर लीजिए और सेव करके आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। हम या हमारी टीम में से कोई व्यक्ति आपको व्हाट्सएप पर आपको जोड़ देगा, आपके साथ लिंक शेयर कर देगा। तो एमपी पटवारी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप ये जो है टेस्ट सीरीज का कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज फुल टेस्ट सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। और कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की हमारी इस क्लास के लिए। कल हम एक नई क्लास के साथ, जिसमें कुछ ना कुछ नंबर पक्के होंगे, 8 बजे मिलते हैं रात को। तो पेपरलेस स्टडी के साथ कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद। और एक चीज को और समझ लीजिए कि आप जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए अभी तक, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना आपका परम सिद्ध कर्तव्य ही हो जाता है, और शेयर कर देना है वीडियो को सभी के साथ, बता देना है कि पेपरलेस स्टडी पर ऐसी क्लासेस चल रही हैं जिनमें आप एक नंबर पक्का कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है आपके लिए कि यहाँ पर अब आपको कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे ऊपर नीचे की तरफ, तो इनको भी आप मैंने सजेस्ट किए हैं आपके लिए ये वीडियोस, जैसे कि एक हिंदी की वीडियो है या फिर जिलेवार अध्ययन की वीडियो है, तो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा अटेंड करने के लिए। हम कल रात 8 बजे आपके साथ एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।